हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं काफी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा ये गर्मी तो काफी भीषण पड़ ही रही है, और अगर आपका बजट है बहुत कम और आपको लेना है एक कूलर, तो ब्रांडेड कूलर में आप कभी मत जाइए। उससे अच्छा आप एक देसी कूलर लीजिए, और वो भी देसी कूलर ऐसा कि जो प्लास्टिक का ना हो, क्योंकि लोकल में अगर आप एक प्लास्टिक का कूलर लीजिएगा उसका परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं किस कूलर का बात कर रहा हूँ जो आपको काफी अच्छी हवा देगा और जिसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। चलिए दिखाते हैं उस कूलर को, और बने रहिए वीडियो में। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कूलर। तो फ्रेंड्स, देखिए ये रहा देसी कूलर, हम लोग इसे कहते हैं, और ये पूरी तरीके से मेटल बॉडी का बना हुआ होता है, और इसके अंदर में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, जिसका ब्लेड देख सकते हैं काफ़ी मजबूत ब्लेड है इसमें। और नीचे टैंक का बात कर ले फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं नीचे में एक ये टैंक दिया रहता है जिसके अंदर में कूलर रखा हुआ होता है, और टैंक का कैपेसिटी लगभग 100 लीटर का होता है। 100 लीटर पानी इसमें आराम से आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच है फ़ैन के लिए, और पंप के लिए यह है। तो जैसे ही हम लोग पंप को ऑन करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा कि पानी ऊपर भरना शुरू हो गया है, और ऊपर में इस पर पानी भर जाने के बाद साइड से ये चारों तरफ माने तीनों तरफ खस पे ये पानी जा रहा है, जिसे खस भीगेगा, और जो ज़्यादा पानी हो जाएगा इसमें ओवर हो जाएगा, वो वापस से फिर से नीचे का जो टैंक है इसके थ्रू चला जाएगा। अब इसका फैन मोटर को आपको चला कर दिखाते हैं और इसका एयर थ्रो बताते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये नया मॉडल का जो ब्लेड आया है, इसमें आपका एयर थ्रो काफी अच्छा है, और इसमें नॉइज लेवल है वो काफी कम है, बिल्कुल ही नॉइज इसमें नहीं आता है। और फ्रेंड्स, बात कर ले इसका बिल्ड मटेरियल का, तो पूरी तरीके से ये सीट का बना हुआ रहता है नीचे में और ऊपर में भी, और साइड साइड में एंगल के द्वारा इसे मोल्ड करके बनाया जाता है, और साइड से आप देख सकते हैं इसका खस को। तो इसका जो खस है आप देख सकते हैं, उसके बीच बीच में जाली लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका रख रखाव में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब इसे आप गर्मी के दिनों में यूज कर लें, उसके बाद सारा खस को आप खोल के रख दीजिए, इसके साथ में लगे हुए मत रहने दीजिए, नहीं तो जो आपका जो जाली है वो पूरी तरीके से जंग लग के झड़ जाएगा। तो सिर्फ इतना से आप मेंटेनेंस अगर कर लेते हैं, तो आपका हर एक साल नया खस लगाइए, तो कूलिंग आपको हर एक साल काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसका जो कूलिंग है फ्रेंड्स, कूलिंग का मैं बात बता दूं, तो कूलिंग इससे ज़्यादा कोई भी कूलर आपको कोई ब्रांड का हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का बना के कूलर आपको मिल जाए, वो आपको इससे ज़्यादा कूलिंग कोई नहीं देगा। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वेपोराइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है खस, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा एरिया में खस लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से ये सबसे ज़्यादा ठंडक हवा देता है। और फ्रेंड्स, कूलर के बारे जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जितना ज़्यादा एरिया में उसका खस लगा हुआ रहता है, कूलर उतना ही ठंडा हवा देता है, और एयर थ्रो भी काफ़ी अच्छा है इसका। अगर 12 घंटा आपको चलाना है फ्रेंड्स, तो लगभग 100 लीटर पानी में आपका 12 घंटा ये आराम से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको अलग अलग साइज़ में आते हैं, जैसे ये बेसिकली फिट के हिसाब से आते हैं, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, इस तरीके से आते हैं। उसी हिसाब से इनका टैंक का भी जो साइज़ है वो कम बेसी होता है, और एयर थ्रो भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़ता घटता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक 20x20 का आपका हॉल है, तो उसमें अगर आप एक 4 फीट का कूलर को लगा लेते हैं, तो आराम से पूरा एरिया कवर कर लेगा। और फ्रेंड्स, बात करें इसका प्राइस का, तो 2 फीट से ले कर 4.5 फीट तक का ये आता है बेसिकली, तो आपको लगभग 2500 रुपये से लेके 6000 रुपये तक के बीच में ये कॉस्ट करता है। अगर मीडियम रेंज में जाइएगा, जैसे ये जो लगा हुआ है, ये लगभग 5 से 5500 रुपये के बीच में कॉस्ट करता है, 3 फीट, 3.5 फीट के लगभग है ये। और फ्रेंड्स, बात कर ले इसमें मूविंग का फंक्शन सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ मॉडल में आपका मूविंग का भी फंक्शन आता है। और फ्रेंड्स, बात कर ले ये 16 इंच का ब्लेड लगा हुआ है इसमें, और हाईएस्ट इसमें 18 इंच का ब्लेड तक आता है, और छोटा में कम से कम 12 इंच तक का भी ब्लेड आता है, 2 फीट के लगभग में जो आता है। और फ्रेंड्स, बात कर ले इसका मोटर का कैपेसिटी का, तो फैन मोटर जो है वो लगभग 100 वाट के लगभग बिजली कंज्यूम करता है, और जो वाटर पंप मोटर है
वो 18 वाट का लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आसानी से आप इसे एक इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा कूलर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देसी कूलर को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।